बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ईद उल अज़हा और क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और मसाइल के हवाले से मसाइल बयान किए जा रहे थे। इनमें से क़ुरबानी के जानवरों की कितनी उम्र होनी चाहिए? तो सबसे पहले बकरे की उम्र, बकरा हो या बकरी हो, इनकी उम्र शरण जो मुकर्रर है वो ये कि एक साल, अगर एक साल का बकरा हो या बकरी हो तो इनका इनकी क़ुरबानी जायज़ है। अगर एक साल से कम हो तो फिर इनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है, फिर इनकी क़ुरबानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई दुम्बा है या भेड़ है, अगर उनको एक साल के बकरे या बकरी के रेवड़ के अंदर छोड़ दिया जाए तो उनका ये फ़र्क मालूम ना हो कि एक साल का ये दुम्बा लग रहा है या छः माह का लग रहा है, तो उन एक छः माह का दुम्बा या भेड़ एक साल के बकरे के बराबर अगर लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो फिर ऐसे भेड़ और दुम्बे की कुर्बानी भी जायज़ है। ठीक है। और इसी तरह ही अगर कोई बैल है, भैंसा है या कटा, कट्टे की कुर्बानी भी जायज़ है, ये याद रखें। उमूमी तौर पर हमें ये वरगलाया जाता है जी कट्टे की कुर्बानी नहीं है, भैंसे की कुर्बानी नहीं है, ये है वो है, लेकिन नहीं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक भैंसे की कुर्बानी जायज़ है। इसमें जो भी ये वरगलाने वाले लोग हैं ये गलत कहते हैं कि जी कट्टे की कुर्बानी नहीं है, भैंसे की कुर्बानी नहीं है, तो याद रखें कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक भैंसे की कुर्बानी जायज़ है। और लेकिन ये इनकी उम्र का लिहाज किया जाए, अगर ये बैल है, गाय है, भैंस है, भैंसा है, कट्टा है, अगर इनकी उम्र दो साल से कम है तो फिर इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर दो साल या दो साल से ज़ायद है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी वो जायज़ है, किया जा सकता है। इसी तरह ही अगर ऊँट है या ऊँटनी है, इनकी उम्र पाँच साल हो या पाँच साल से ज़ायद हो, पाँच साल से कम हो तो फिर ऐसे ऊँट या ऊँटनी की कुर्बानी नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर इन उम्रों के अलावा छोटी उम्रों में कुर्बानी की है। अगर बकरी का एक साल से पहले कुर्बानी कर दी गई तो कुर्बानी नहीं हुई, अगर भैंस बैल की कुर्बानी दो साल की उम्र से पहले कर दी गई तो भी कुर्बानी नहीं हुई। इसी तरह ऊँट या ऊँटनी है, इनकी कुर्बानी पाँच साल की उम्र से पहले कर दी गई तो भी कुर्बानी नहीं हुई। और अगर ऐसा किया जा चुका है तो इसका लौटाना दोबारा ज़रूरी है, वाजिब है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए।